नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आकलन परीक्षा में सफल सहायक अध्यापकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक की आकलन परीक्षा में सफलता के आधार पर 10% मानदेय में वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। आकलन परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों को परीक्षा फल के प्रकाशन की तिथि 29/9/2023 से 10% मानदेय का लाभ नियमानुकूल दिया जाएगा। डीईओ के द्वारा इस संबंध में पत्र जारी कर सभी बीईओ व बीपीओ को आवश्यक निर्देश दिया गया है। गांडे में चुनाव कराने की मांग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिला। उनसे गांडे विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का आग्रह किया। श्री कुमार को बताया कि 1 जनवरी को गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इस विधानसभा क्षेत्र का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 तक है। 6 माह से अधिक विधानसभा क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के खाली रखना कानूनन सम्मत नहीं है। 9 अक्टूबर 2018 को भारत निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित पत्र जारी किया है। इस कारण गांडे में चुनाव कराया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के महासचिव विनोद पांडे, सुप्रियो भट्टाचार्य, फागु बेसरा, विधायक भूषण तिर्की, नलिन सोरेन, दिनेश विलियम मरांडी भी शामिल थे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत भी होंगे शामिल। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शुक्रवार को सीएम सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साझा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ राज्य में सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय पहुंचे। राज्य के विभागीय अधिकारी और पुलिस अधिकारी उनसे मिलते रहे। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, कला संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उनसे मिले। बता दें, सीएम हेमंत सोरेन करीब 4 घंटे तक झारखंड मंत्रालय में रहे। झारखंड में कथा कर पाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, हाईकोर्ट ने पूछा। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम चौधरी ने राज्य के मुख्य सचिव से राज्य में पिछले 2 साल में हुए धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दी गई अनुमति का ब्यौरा मांगा है। अदालत ने मुख्य सचिव से पूछा है कि राज्य में 2 साल में कितने धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई, कितने आवेदन खारिज किए गए। हाईकोर्ट ने आगे पूछा है कि राज्य में पहले जो धार्मिक आयोजन हुई है उसमें जो शर्त लगाई गई थी, क्या वही शर्त पलामू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के आयोजन में लगाई गई है या कुछ अतिरिक्त शर्त लगाई गई है। 8 फरवरी तक मुख्य सचिव को इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है। अदालत ने पलामू के उपायुक्त को हनुमंत कथा आयोजन समिति की ओर से 3 जनवरी को बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के लिए जो योजना दी गई है उस पर 1 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश भी दिया है। पलामू में 10 से 15 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। झारखंड में सखी मंडल दीदियों की बढ़ेगी संख्या। जोहार परियोजना के तहत वर्ष 2024 में सखी मंडलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही इनके उत्पादों की संख्या बढ़ाते हुए उन्हें बाजार उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से अधिक ग्रामीण महिलाओं को आजीविका का साधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने इन सखी मंडलों के उत्पादों को प्लास ब्रांड से जोड़कर पहले से ही बाजार उपलब्ध करा रही है। इनके उत्पादकों को काफी पसंद भी किया जा रहा है। बता दें, सखी मंडल की दीदियों द्वारा निर्मित एवं संग्रहित सरसों का तेल, चावल, आटा, दाल, मड़ुआ का आटा, लेमन ग्रास जैसे उत्पाद पहले से काफी पसंद किए जा रहे हैं। बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। डमी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ईवीएम को लेकर घूमेगा वाहन। लोकसभा निर्वाचन 2024 चुनाव के मद्देनजर 10 जनवरी से 19 फरवरी तक ईवीएम प्रदर्शन केंद्र व चलंत प्रदर्शन वैन द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने एवं ईवीएम वीवीपैट से रूबरू कराने के लिए चलंत प्रदर्शनी वैन चलाया जाएगा। यह वाहन सेक्टरवार प्रत्येक मतदान केंद्र में जाएगा तथा ईवीएम वीवीपैट मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में प्रदर्शन किया जाएगा, जहां मतदाता वोट डालने की पूरी प्रक्रिया से अवगत हो सकते हैं। इसमें वोट डमी भी डाल सकते हैं। बता दें, प्रदर्शन के लिए प्रयोग करने वाले ईवीएम में डमी वॉयलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र में चलंत वाहन के साथ जिले से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड की वेबसाइट हैक। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड की वेबसाइट हैक हो गई है। शुक्रवार को शाम में इस वेबसाइट के खोलने पर अनाप शनाप डाटा आ रहा था, साथ ही वेबसाइट हैक होने की सूचना आ रही थी। मामला संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड का IT सेल तुरंत सक्रिय हुआ। वेबसाइट को तुरंत बंद किया गया। देर रात तक सूचना एवं तकनीकी विभाग के स्टेट डाटा सेंटर से संपर्क कर डाटा रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा था। इस बाबत पूछने पर अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने कहा है कि शाम 7 बजे तक वेबसाइट ठीक थी, बाद में इसमें कुछ गड़बड़ी आई जिसे ठीक किया जा रहा है। उन्होंने स्टेट डाटा सेंटर द्वारा इसे रिस्टोर किए जाने की भी बात कही है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेलर समेत 3 निलंबित। रांची के होटवा स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से एक प्रमुख अखबार के प्रधान संपादक और स्थानीय संपादक को धमकी दिए जाने के मामले में कारा महानिरीक्षक उमाशंकर सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सेंट्रल जेल होटवार के जेलर प्रमोद कुमार, चीफ हेड वार्डर अवधेश कुमार सिंह और ऑपरेटर पवन कुमार को निलंबित कर दिया है। मंडल कारा गढ़वा के जेलर अजय कुमार को सेंट्रल जेल होटवार का नया जेलर बनाया गया है। जेलर प्रमोद कुमार गत वर्ष 21 नवंबर को ही सेंट्रल जेल गिरिडीह से स्थानांतरित होकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार के जेलर बने थे। बिजली चोरी पर सख्त हुआ JBVNL। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का बिजली चोरों और बकायेदारों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान सख्त हो गया है। अभियान के क्रम में कड़ी कार्रवाई निरंतर जारी है। इसे लेकर सभी स्थानों पर छापेमारी दल गठित कर गांव से लेकर शहरी क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। गठित दल बकायेदार उपभोक्ताओं को बिल जमा करने का निर्देश दे रहा है। चोरी करते पकड़े जाने पर कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने दिसंबर माह में मेदिनीनगर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल में कुल 545 छापेमारी की है, जिसमें 158 लोगों पर बिजली चोरी की प्राथमिकी संबंधी थाना में दर्ज कराई गई है। सड़कों पर लड़की का पीछा करने वाले हो जाए सावधान। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी का बार बार या लगातार पीछा करना, देखना, संपर्क करना भी यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। इसके साथ ही अदालत ने चतरा जिले के एक शिक्षक की याचिका खारिज कर दी है। शिक्षक ने निचली अदालत द्वारा आरोप गठन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शिक्षक राहुल यादव पर आरोप है कि वह अपनी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा को छेड़ता था। छात्रा की शिकायत के बाद स्कूल प्रबंधन ने उसे हटा दिया। स्कूल से हटाने के बाद भी वह पीड़िता का पीछा करने का प्रयास करता था, उससे मिलने और बात करने का प्रयास भी करता था। इसी मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद निचली अदालत ने शिक्षक के खिलाफ आरोप गठित कर दिया। 2047 तक भारत को बनाना है विकसित राष्ट्र। नीलांबर पीताम्बर प्रखंड के कुंदरी व जमुंडी पंचायत में शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पांकी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता, भाजपा जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक, जिला प्रभारी विनय जायसवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक समेत उपस्थित सभी महिलाओं के साथ साथ भाजपाइयों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कहा कि देश के हर जरूरतमंदों का पक्का का घर बन गया, हर घर बिजली पहुँच गई है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन व इलाज के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा दी गई। कोरोना काल से लेकर अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज भी दिया जा रहा है। किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का अनुदान भी मोदी सरकार दे रही है। पावर बैंक में बैटरी की जगह मिट्टी भरकर बेच रहा था बिहार का युवक। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पोटका प्रखंड के सिलिंग और आसपास के इलाके में पावर बैंक में मिट्टी भरकर ग्रामीणों को बेचकर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। ठगी के आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी धनंजय गुप्ता बिहार का निवासी है। जानकारी के अनुसार धनंजय गुप्ता बीते 3 दिन पहले कोवाली एवं उसके आसपास के क्षेत्र में 800 रुपये में पावर बैंक बेची थी। गुरुवार को कोवाली के सीलिंग में फिर से मिट्टी भरकर पावर बैंक बेचने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच लोगों से उसे पकड़कर कोतवाली पुलिस को घटना की सूचना दी गई। MS धोनी ने अपने बिजनेस पार्टनर पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अर्का स्पोर्ट एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक मिहिर दिवाकर और
सौम्या दास के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराया है। दर्ज शिकायतवाद में प्रार्थी धोनी ने प्रतिवादियों पर 15 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान धोनी की ओर से प्रतिनिधि सीमांत लोहानी का बयान शपथ पत्र दर्ज किया गया। झारखंड में झमाझम बारिश, 8 से कड़ाके की ठंड। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शाम होते ही मौसम ने करवट ले ली है। बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक आज से राज्य के कई जिलों में बारिश होगी। पूर्वानुमान के मुताबिक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी और रांची के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। इन जिलों में विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने एक मैप के जरिए बताया है कि करीब करीब पूरे राज्य में 8 जनवरी तक धुंध देखने को मिलेगा। करीब पूरे राज्य में कोहरा का असर होगा। ऐसे में गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी। रोजगार पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लोगों की इसी कमजोरी का लाभ उठाने में साइबर अपराधी लगे हुए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर साइबर अपराधी आवेदकों को फोन कर पैसे की मांग कर रहे हैं। पैसा नहीं देने पर मेरिट लिस्ट से नाम हटाने की धमकी दे रहे हैं। साइबर अपराधी अभ्यर्थियों को फोन कर मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन कराने का साझा देकर पैसा मांग रहे हैं। किसी से 40,000, किसी से 30,000 तो किसी से 20,000 रुपये की मांग की जा रही है, जिससे अभ्यर्थी परेशान हैं। हालांकि अभी तक कोई आवेदक ठगी के शिकार होने की सूचना नहीं है। पंचायत स्वयंसेवक 8 जनवरी के बाद फिर से आंदोलन करेंगे। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ की रामगढ़ इकाई की बैठक शुक्रवार को धोवा पंचायत के कुसमाहा स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रोहित कुमार ने की। बैठक में वक्ताओं ने कहा था कि पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक ने अपना राज्यव्यापी आंदोलन कुछ दिनों के लिए स्थगित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश महासचिव विनोद पांडे के आश्वासन पर भरोसा करते हुए संघ ने अपना आंदोलन स्थगित किया था। 170 दिनों से चल रहे आंदोलन को 29 दिसंबर को स्थगित कर दिया गया था। संघ को उम्मीद थी कि झारखंड सरकार तथा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयंसेवकों को सम्मानजनक मानदेय देते हुए उनकी सेवा को नियमित करेंगे। यह सरकार अबुआ राज की बात करती है और स्थानीय युवा को रोजगार उपलब्ध कराने की बात करती है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक के रूप में कार्यरत सभी युवा झारखंड के स्थानीय निवासी हैं। राज्य के शिक्षित युवा स्वयंसेवकों के जायजा हितों का ख्याल रखना सरकार का दायित्व है। यदि इस दायित्व का निर्वहन राज्य सरकार सही तरीके से करती है तो इसका लाभ आगामी चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को मिलेगा। यदि राज्य सरकार पंचायत स्वयंसेवकों की मांग को पूरा नहीं करती है तो इसका खमियाजाना भी राज्य सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।